हेलो फ्रेंड्स, इंसान जो है वो कौन सी तीन चीजों के पीछे भागता है आप बता सकते? तो फर्स्ट क्या है? छाया। और दूसरा क्या है? काया। और तीसरा क्या है? माया। ये तीन चीजों के पीछे भाग करके ही हम अपने आप को दुखी कर लेते हैं, अपने आप को बीमार कर लेते हैं, अपने आप को डिप्रेशन में लेके जाते हैं, अपने आप को हाइपरटेंशन में लेके जाते हैं, अपने आप को ब्रेन स्ट्रोक के अंदर लेके जाते हैं, पैरालिसिस के अंदर लेके जाते हैं, नफरत के अंदर लेके जाते हैं। तो तीन चीजें जो है, फर्स्ट जो छाया होता क्या है, जैसे हम छाया का मतलब होता है, अगर एक दूसरा अच्छा डेवलप कर रहा है तो उसके पीछे हम लग जाते हैं, वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, हम अपना नहीं देखते हैं, उसके पीछे चलते जाते हैं, उसके छाया बन जाते हैं, उसके पीछे लग जाते हैं। तो ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी होती है, किसी के पीछे भागना, किसी के पीछे दीवानगी रखना, इसको हम लोग छाया बोलते हैं। तो हमें अपने आप से सवाल करना चाहिए, अपने आप को डेवलप करना चाहिए। दूसरे के पीछे भाग करके आपको क्या हासिल होने वाला है? दूसरे के बारे में सोचने से आपको क्या हासिल होने वाला है? दूसरे का नुकसान करके आपको क्या फायदा होने वाला है? आप क्या लेकर के आए थे कि आपका नष्ट होने वाला है? और क्या कमा लिए कि जिसकी चिंता करते हो? तो मेरे दोस्त, हमें किसी छाया के पीछे नहीं भागना चाहिए। दूसरी जो है काया। काया बोले तो ये आपका मानव का जो शरीर है, ये शरीर जो है काया बोलते, एक खूबसूरत लड़की को देखते हो उसके दीवाने हो जाते हो, एक स्मार्ट लड़के को देखते हो दीवानी हो जाती हो, क्योंकि आप उसके काया के पीछे दीवाने हो, ना कि उसके एबिलिटी, उसके कैपेबिलिटी, उसके नॉलेज, उसका बिहेवियर के ऊपर। तो आप ऐसा क्यों करते हो? क्योंकि ये जवानी जो है एक दिन ढल जाने वाली है, एक दिन इसका विनाश निश्चित है, फिर आप काया के पीछे इतना दीवानगी क्यों? आप इसके पीछे इसको, आप काली हुई तो क्या हुई दिलवाली है, काला हुआ तो क्या हुआ दिलवाला है। हमें करेक्टर के पीछे जाना चाहिए, अपना ब्रांड बनाने की कोशिश करना चाहिए, हम अच्छे लोगों को देखना चाहिए, उसकी खूबसूरती के पीछे नहीं जाना चाहिए, उसके अंदर क्वालिटी क्या है, उसके अंदर गुणवत्ता क्या है, उसका दीवाना होना चाहिए। लोग क्या है, काया के पीछे भाग करके अपनी जिंदगी को खराब कर लेते हैं। जहाँ पे माना गया है कि औरत जो है उत्थान का भी रास्ता बताती है और पतन का भी रास्ता, दोनों औरतों के अंदर होता है, लड़कियों के अंदर होता है। तो आप अगर लाइफ में सुकून की जिंदगी चाहना चाहते हो तो काया के पीछे मत भागिए। एक खूबसूरत लड़की क्या देख लिया, एक खूबसूरत लेडीज क्या देख लिया, उसके दीवाने हो जाती है, उसके पीछे भागने लगते हो, दुनियादारी भूल जाते हो, अपने लोगों को दुश्मन समझने लगते हो जो आपको अच्छे रास्ते पर दिखाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं कि माया। माया से तो कोई बच नहीं पाया है। माया मुई न मन मरा, मन मर मर गया शरीर, और आशा तृष्णा न मरी ये कह गया कबीर। माया जो है सर, जैसे कि आप हमारा कपड़ा, हमारा कपड़ा, हमारा शरीर, हमारा ये, हमारा गाल, हमारा नाक, हमारा मुंह, सब ऐसा बोल करके ये माया है। अब एक चीज बताइए, जो अंदर ये बोल रही है, खुदा ना खास्ता किसी को स्ट्राइक, ब्रेन स्ट्राइक आ जाता है तो क्या होता है, पैरालिसिस हो जाता है। तो उससे आप कितने घृणा करते हो। यही शरीर जब यंग था तो आपके पीछे लोग दीवाने थे, दीवानगी की तरफ भागते थे। जब यही शरीर ढल जाता है और बुढ़ापा आ जाता है, कोई काम का नहीं रह जाते हैं, तो आपको लोग, आपका ही बच्चे आपको लात मारते हैं, जूता मारते हैं, किधर से भी आते हैं तो धक्का मारते हैं,
कि जल्दी बुढ़ा मर जाओ, जल्दी बुढ़ी मर जाओ, कि तुम क्यों हम लोग को सता रही हो। अब आप सोच सकते हो कि आखिर हम माया के पीछे क्यों भागते हैं। हमारा पोता, हमारा बेटी, हमारी बहू, हमारी बीवी, हमारे स्टाफ, हमारे कंपनी, हमारे मशीनरी। अरे भाई, आपको समझ में आना चाहिए कि जो आपके पास जो मशीनरी है कल तक दूसरे के पास थी, चाहे ओल्ड हो, चाहे सेकेंड हो, चाहे नई हो। आपको खरीदने के पहले किसी के शोरूम में थी, किसी के फैक्ट्री में थी, दूसरे की थी, आज आपकी है और कल फिर दूसरे के पास चली जाएगी। आप जिस जमीन पर खड़े हो ये जमीन भी कल तक दूसरे की थी और फिर आज आपका है और कल फिर दूसरे को हो जाएगी। तो इतने माया करने की क्या जरूरत है। छाया और माया, काया और माया, ये तीन चीजों पर आपको दूरदर्शिता रखनी होगी, उससे परे होकर के जिंदगी को खुशी देनी होगी। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। इसी के साथ मैं मिथिलेश चौधरी आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।